चलिए और एक तो चीज़ आपको हम दिखा देते हैं, ये जो रीडर लैंप है जो पेपर को रीड करता है कोई डॉक्यूमेंट को, तो इसमें आप कौन सा चीज़ रीड करता है, ये जो लाइट है यहाँ पे देखिए, ये जो लैंप है दोनों साइड में दो ठो लैंप है, ये लैंप तो से उस इमेज को देखता है मतलब दिखाता है, वो देखता नहीं, देखता है इसको दोनों का बीच में एक देखिए ब्लैक सा एक ठो लाइन है, जो ब्लैक सा लाइन है उसी को हम आपको दिखाते हैं, देखिए ब्लैक सा लाइन का ऊपर देखिए एक आपका रिफ्लेक्ट करता है, देखिए ब्लैक सा लाइन के ऊपर वो जो रिफ्लेक्ट करता है आपको लाइट से रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं, देखिए रिफ्लेक्ट जो कर रहा है, देखिए ये जो रिफ्लेक्ट चल रहा है ना, ये रिफ्लेक्ट जो है ब्लैक का ऊपर यही हिस्सा आपका वो जो डॉक्यूमेंट का इमेज है डॉक्यूमेंट जो है उसको रीड करता है, रीड करता है, ये लाइट उसको दिखाता है, लाइट से दिखाने के लिए काम आता है, और ये जो ब्लैक सा लाइन है ये ब्लैक सा लाइन का ये जो ब्लैक सा लाइन है ब्लैक सा लाइन से ही वो कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड कर पाता है। देखिए इधर ब्लैक सा लाइन के बीचों बीच में देखिए एकदम पूरा ब्लैक एक लाइन है, देख पा रहे हैं आप, ब्लैक सा जो लाइन है वही लाइन ही से कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, मतलब वही आँखें हैं, दोनों साइड दो ठो लैंप है, लैंप से सिर्फ इमेज को देखता है दिखाता है, और ये जो आँखें है देखिए डॉट 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 है, ये डॉट डॉट के अंदर से देखिए ब्लैक सा लाइन के अंदर डॉट 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 दिखाई दे रहा है, रेशा जैसे छोटा छोटा डॉट डॉट है, उस डॉट डॉट के अंदर से ही इमेज को अंदर पहुँचता है, उसके बाद उस इमेज को देख पाता है क्लियर। अगर ये इस डॉट डॉट की जगह पे अगर कोई भी गंदगी लगा हो तो आपका वो इमेज क्लियर नहीं देख पाएगा, देखिए डॉट डॉट है जो लाइट्स दिखा देते हैं, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, वही डॉट डॉट से ही आपका इमेज को पढ़ता है, इमेज को अंदर ले लेता है, उसके बाद वो आपको इमेज बाहर प्रिंट करके निकलता है। तो यही है रीडर लैम्प, और रीडर जो रीड करता है वही है रीडर का ब्लैक वाला जो हिस्सा है उसी से उसको रीड करता है। तो इसको आप हमेशा ही अच्छी कपड़ा से या अच्छी तरह इसको क्लीन करिए तो आपका रीड सही ढंग से करेगा, कोई भी स्पॉट नहीं होगा, कोई भी दाग नहीं होगा, या व्हाइट लाइन भी इसका भी वजह एक हो सकता है व्हाइट लाइन होने का, तो इसको आप अच्छी तरह क्लीन कीजिए तो आपका वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हम खोल के दिखा दिया जिससे आपको दिखाने के लिए सुविधा हो, क्योंकि जो व्हाइट लाइन होता है इसके भी वजह एक हो सकता है, तो व्हाइट लाइन के वजह बहुत कुछ है, तो ये भी एक वजह है जो व्हाइट लाइन होता है। तो चलिए इसको हम अभी लगाते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, तो इसी से रीड किया जाता है, आँखें जो है ये जो ब्लैक सा लाइन है यही है आँखें, थोड़ा दूर से दिखा दे, ये जो देखिए ब्लैक लाइन एक दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर के बीचों बीच ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं थोड़ा जिससे कि आपको आसानी हो, देखिए ब्लैक लाइन है, ये है आँखें, ये पूरा सा पूरा है, पूरा देख लीजिए पूरा इसी में ब्लैक लाइन, ब्लैक में ब्लैक एक डीप ब्लैक कलर का लाइन है, उसमें बहुत सा डॉट डॉट पॉइंट है, थोड़ा क्लोज कर देते हैं, ये जो डॉट डॉट पॉइंट है उसके पॉइंट के अंदर कोई भी इमेज अंदर पहुंचता है, उसके बाद इमेज छपता है बाहर प्रिंट होकर निकलता है आपका। तो ये लैंप है, दोनों साइड दो ठो लैंप है, लैंप इमेज को दिखाता है, इसको दिखाने ये आँखें इसको दिखाने के लिए ये होता है, तो यही है सिस्टम रीड करने का, यही है प्रोसेस, इसी से रीड किया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करता है ये मशीन, ये रीडर लैंप। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे आने वाले टाइम में और अच्छा अच्छा वीडियो देते रहेंगे, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं।